नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आज मैं बना रही हूँ सत्तू पराठा। आइए देखते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ सत्तू। सत्तू के बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसके बाद हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। ये अदरक को हम थोड़ा सा इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। आप इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इसे हम इस तरह मसल के फिर डाल देंगे। ये है अचार का तेल, जिसमें थोड़ा मसाला भी है। ये आम का अचार का तेल है, आप कोई से भी अचार का तेल ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ नॉर्मल सरसों तेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप पहले कम ही डालें, फिर टेस्ट करके नमक डाल सकते हैं। अब इसे सब मिला देंगे। ये सब तो हमारा इस तरह का है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या थोड़ा और तेल ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके। इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें। देखिए हमारा सत्तू तैयार हो गया। अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप नमक और डाल दीजिए। अब सत्तू पराठा के लिए हम आटा लगा लेंगे। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेते हैं। आटे को हम एकदम सॉफ्ट गूंथेंगे। देखिए ये आटा लग चुका है, इतना ही सॉफ्ट रहेगा। आइए बनाते हैं पराठा। एक आटे का लोई हमें लेना है। और सत्तू हम इसमें इस तरह डाल के इसे इस तरह पहले बंद करके और इस तरह। ये बनाना बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे धीरे धीरे इस तरह बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। आप घी भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ। तैयार है हमारा सत्तू पराठा। इसे आलू बैंगन
दोस्तों के साथ एंजॉय करिए।